हाल ही में जम्मू कश्मीर में स्टिकी बम से हुई ब्लास्ट की घटना में एक व्यक्ति की मौत और 17 घायल हुए हैं। उधमपुर में इस वारदात को अंजाम देने वाले आतंकी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अब इसका खतरा 30 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा पर मंडरा रहा है। पिछले कुछ दिनों में आतंकियों के पास कई सारे स्टिकी बम बरामद किए गए हैं। आतंकियों से पूछताछ के बाद मिली जानकारी के आधार पर ये आशंका जताई जा रही है कि दहशतगर्दों के पास स्टिकी बम पहले से मौजूद है। खुफिया एजेंसी को जानकारी मिली है कि अमरनाथ के दौरान श्रद्धालुओं पर स्टिकी बम से हमला किया जा सकता है। हाल की घटनाओं के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए सिक्योरिटी प्लान में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि क्या होता है ये स्टिकी बम, ये कितना खतरनाक है, कैसे काम करता है और इसकी शुरुआत कहां और कैसे हुई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आसान भाषा में समझे तो चिपकने के कारण इसे स्टिकी बम कहा जाता है। ये चुंबकीय प्रभाव वाला बम है, इसलिए इसे मैग्नेटिक बम भी कहा जाता है। इसे मेटल की सतह पर आसानी से चिपकाया जा सकता है, जैसे इसका ज्यादातर इस्तेमाल वाहनों पर लगाकर किया जाता है। आकार में छोटा होने के कारण इसे आसानी से कहीं भी लगाया जा सकता है। इसमें टाइमर सेट होता है जिसका कनेक्शन रिमोट से होता है। रिमोट की मदद से दूर रहते हुए धमाका किया जा सकता है। इसे हेड ग्रेनेड या फिर एंटी टैंकर नंबर 74 और एसटी ग्रेनेड नाम से भी जाना जाता है, जो काफी खतरनाक है। इससे जुड़ी जो आतंकी घटनाएं सामने आई है उनमें पता चला है कि इसका ज्यादातर इस्तेमाल वाहनों के टंकियों पर किया जाता है। पेट्रोल या फिर डीजल टैंक पर इसे लगाया जा सकता है ताकि धमाका और भी ज्यादा बड़ा हो। रिमोट का बटन प्रेस होते ही वाहनों के परखे उड़ जाते हैं। इसके लिए 5 से 10 मिनट के टाइमर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका पता लगाने का कोई सटीक तरीका नहीं होता है, केवल अलर्ट रहकर और जांच करके ही इसे ढूंढा जा सकता है। इसे काफी खतरनाक माना जाता है क्योंकि जब इससे धमाका होता है तो चारों दिशाओं में बराबर से असर होता है, इसलिए धमाका खतरनाक माना जाता है। अफगानिस्तान ने तालिबान पर कब्जे से पहले कई बार स्टिकी बम का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा अफगानिस्तान में नाटो सेनाओं के खिलाफ भी इस मैग्नेटिक बम का काफी प्रयोग किया गया है। इसे पहली बार 1940 में ब्रिटेन में बनाया गया था। इसे स्टुअर्ट मैक्रेन ने तैयार किया था। आमतौर पर इसका वजन 1 किलो होता है और लंबाई 9 इंच तक हो सकती है। इस बम का इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल अफगानिस्तान और इराक में हुआ था। एक स्टिकी बम को तैयार करने में करीब 2000 रुपए का खर्च आता है, इसलिए ये आतंकियों के लिए सस्ता ऑप्शन भी होता है। इसके अलावा छोटा होने के कारण इसे कहीं भी ले जाना आसान होता है, कहीं भी वाहनों से चिपका कर धमाका किया जा सकता है, इसलिए आतंकी इसका अधिक इस्तेमाल करते हैं। हाल की घटनाओं में ये बात सामने भी आई है। स्टिकी बम भारत में नहीं बनाए जाते, इसे ज्यादातर दूसरे देशों में गैर कानूनी तरीके से मंगाया जाता है। आतंकी संगठन अलकायदा इस बम को बनाने में माहिर रहा है। जम्मू कश्मीर में हुई हालिया घटनाओं में आतंकियों ने इस बम का प्रयोग भी किया है। इनकी गिरफ्तारी में ये बात भी सामने भी आई है। आई होप आपको स्टिकी बम के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।